झारखंड की राजनीति के लिहाज से 11 जनवरी खास है। इस दिन राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का जन्मदिन है, उसमें से एक है शिबू सोरेन, जिनके जिक्र के बिना झारखंड की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। जी हां, शिबू सोरेन को आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में जाना जाता है, तो वही राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्म भी 11 जनवरी को ही हुआ था। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिबू सोरेन ने स्थापना की थी, उसकी सरकार अभी राज्य में है, वही बाबूलाल मरांडी झारखंड का पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। वे भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन को आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। संथाली भाषा में दिशोम गुरु कहकर बुलाया जाता है, जिसका अर्थ होता है देश का गुरु। वे झारखंड और देश भर में गुरुजी के नाम से ही ज्यादा पुकारे जाते हैं। उनका जन्म रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को हुआ। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की। सूदखोरी और शराबबंदी का विरोध करने पर महाजनों ने 27 नवंबर 1957 को उनके पिता की हत्या करवा दी, जिसके बाद शिबू सोरेन ने आदिवासी हितों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1970 में उन्होंने महाजनों के खिलाफ धन काटो आंदोलन चलाया। आदिवासियों की जमीन को धोखे से हड़पने वाले जमींदारों के खेतों की फसल को वो सामूहिक ताकत के दम पर काटने लगे, जिसके बाद उन्होंने साल 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन का फैसला किया। 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा हुई, तो इंदिरा गांधी ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। शिबू सोरेन ने तब आत्मसमर्पण कर दिया। 1977 में शिबू सोरेन सियासत की तरफ से मुड़े, लेकिन टुंडी से विधानसभा चुनाव हार गए। फिर उन्होंने संथाल को अपनी कर्मभूमि चुना। 1980 में उन्होंने दुमका से पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले सांसद बने। वो यहां से 8 बार सांसद रह चुके हैं। 2002 और 2020 में वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। यूपीए सरकार में 23 मई 2004 को शिबू सोरेन कोयला और खनन मंत्री बन गए थे। उन्होंने 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद भी संभाला, लेकिन कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। झारखंड विधानसभा चुनाव 2005 में राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने शिबू सोरेन को सरकार बनाने का न्योता भेजा। 2 मार्च 2005 को वे सीएम बन गए, लेकिन जरूरी विधायकों की संख्या नहीं हासिल करने पर 10 दिन बाद ही, यानी कि 12 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सांसद रहते हुए शिबू सोरेन 27 अगस्त 2008 को दोबारा सीएम की गद्दी पर बैठे। लेकिन एक परीक्षा अब भी पास करनी बाकी थी। झटका तब लगा जब वे 8 जनवरी को तमाड़ विधानसभा उपचुनाव हार गए। नतीजन 144 दिनों के बाद 18 जनवरी 2009 को सरकार गिर गई और झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। शिबू सोरेन को तीसरी बार सीएम बनने का मौका 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक 152 दिनों के लिए मिला। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी किसान परिवार में जन्मे। बाबूलाल मरांडी ने गिरडीह के देवरी में प्राथमिक विद्या में बतौर शिक्षक नौकरी की। फिर विभागीय अधिकारियों से कुछ ऐसी बात हो गई कि शिक्षक बाबूलाल मरांडी ने राजनीति की राह पकड़ ली। विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय होने के बाद बाबूलाल मरांडी वर्ष 1990 में बीजेपी के संथाल परगना के संगठन मंत्री के रूप में काम किया। विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय होने के बाद बाबूलाल मरांडी वर्ष 1990 में बीजेपी के संथाल परगना के संगठन मंत्री के रूप में काम किए। 2 बार दिशोम गुरु से चुनावी समर में पराजित होने के बाद वर्ष 1998 में उन्होंने शिबू सोरेन को और फिर 1999 में उनकी पत्नी रूपी सोरेन को हरा कर अपनी राजनीतिक धाक जमाई। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबूलाल मरांडी मंत्री बने और जब नवंबर 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो बीजेपी आलाकमान ने विश्वास जताते हुए उन्हें राज्य की बागडोर सौंप दी। बाद में दलगत मतभेद के बाद वर्ष 2016 में उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई और संघर्ष किया। इसके 14 साल बाद 2020 में उन्होंने अपने दल को बीजेपी में विलय कर लिया और एक बार फिर झारखंड में बीजेपी के सर्वमान्य नेता बन गए।
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।